एनसीबीटी कभी रोड ब्लॉक बनता था, अभी एनसीबीटी फैसिलिटेटर की मोर्चा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारी व्यवस्था, हमने कहा कि सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए, दिक्कत देने के लिए नहीं, रेगुलेटर शुड बी फैसिलिटेटर, नाउ एनसीबीटी एंड आईआईटी वो फिर क्रिएट ए कोलाबोरेटिव मैकेनिज्म, जो आईआईटी ही अपने आप में कॉम्पिटेंट है पार्लियामेंट्री एक्ट के कारण। वो अपना कोर्स, उन्होंने कहा कि हम कोर्स कैरिकुलम बनाएंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स कैरिकुलम, 6 महीना का हो सकता है, 9 महीना का हो सकता है, साल भर होगा तो डिप्लोमा हो जाएगा, कुछ कोर्सेज डिप्लोमा की बने। मैं तो आगे इसको एनविजन करूंगा। आपकी जो यूजी कोर्सेज थे, यूजी में भी स्पेसिफिक इमर्जिंग एरिया ढूंढा जाए आयोनिक्स के, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। आपके वहां आगे संख्या, अच्छा एक सुखद बात है, कानपुर आईआईटी में ही एक एयरपोर्ट है, कानपुर आईआईटी में ही एक एयरपोर्ट है। तो आगे चल के वहां ऐसे ही चित्र हम लोग देखे कि वहां कानपुर आईआईटी में ही एविएशन की सारे विधा, मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों की एविएशन में जितने रिक्वायरमेंट लगेगा वहां ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आगे चलकर आप यूजी भी कोर्स इमर्जिंग एरिया में निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा उसमें वैसे इंटरेस्ट रहेगा, उसमें आप आईआईटी प्लस आईएएस को भी जोड़ोगे, उस समय में हमारे हाथ में छोड़ोगे। इसलिए ये इसकी विजन है, और उसमें जब आईआईटी और आईएएस की कोलाबोरेटिव सर्टिफिकेशन हो जाएगा, और उसमें जिसमें इंडस्ट्री पार्टनर कौन है, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आईआईटी को छोड़ के होता क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट एक तरफ है, हम पढ़ाते होते तो पढ़ने वाले लोग फिर जब मार्केट में आते हैं उनको फिर एक बार रीओरिएंटेशन करना पड़ता है, ये वेस्टेज ऑफ नेशनल एनर्जी होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा पढ़ते हुए मार्केट की रिक्वायरमेंट को पढ़ना शुरू करें, इसीलिए हमने इस आर्किटेक्चर में 200 और हाल जैसी संस्थाओं को जोड़ा है। इसलिए मित्रों ये देश में पहली बार एक आर्किटेक्चर बन रहा है जो एक ग्लोबल मॉडल बनने वाला है। किसी भी देश में, मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लंबी चर्चा हुई मेरा, उनके वहां लगभग 39 यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें से 20 तो विश्व की पहला 500 यूनिवर्सिटी के अंदर 20 यूनिवर्सिटी उनकी। कई लोग भारत आने लगे हैं, दो तो आ गए और दो चार आने वाले हैं चले गए, लेकिन उनके वहां डुअल यूनिवर्सिटी की कंसेप्ट जो आज हम इसकी आर्किटेक्चर को बना रहे हैं, उनके पास तीन चार है। जर्मन की डुअल एजुकेशन मॉडल यही है, लेकिन आने वाले दिनों में, मेरे बात को आज याद रखिएगा, 9 नवंबर 2023 भारत की स्किल आर्किटेक्चर और नॉलेज आर्किटेक्चर में एक लैंडमार्क डे। और हमने कोई सेकेंडरी और थर्ड कैटेगरी की प्लेयर से शुरू नहीं किया, आईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कॉरपोरेशन लाइक खावलन दोस्तों, ये तो मैं कहूं दीपावली के अवसर पे ये एमओयू प्रधानमंत्री जी की देश की नौजवानों के लिए, देश की वर्कफोर्स के लिए सौगात है, गिफ्ट है, मैं इसको ऐसे देखता हूं। इसलिए मैं इसको शुभेच्छा देता हूं, उसको आईआईटी ही चलाएगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।